गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ए और आ की मात्रा के बाद ई और ई की मात्राओं का दोहरान करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 7 पे हम रीड करेंगे आज इसे, ठीक है। तो देखिए, ई की मात्रा जो है इस तरह से लगाई जाती है और ई की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। ये शब्द से पहले, ये व्यंजन से पहले लगती है और ये व्यंजन के बाद लगती है। तो देखिए, चित्र देखकर नाम पूरे करो। चित्र को देख कर के हमें उसके नाम पूरे करने हैं। गलास, यहाँ लिखा गलास है, ये जबकि एक गिलास है, तो इसके आगे ई की मात्रा हम लगाएंगे, ठीक है। गिलास। ची डी या, ये चिड़िया का चित्र है इसलिए ची डी या, चिड़िया। इस तरीके से हम इसमें मात्राएं जोड़ेंगे। उसके बाद है म छ, इससे पहले इधर देखिए ई की मात्रा। किताब, किताब लिखा है, इसमें जब ई की मात्रा हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा किताब। बारिश, बारिश, तो यहाँ रे के साथ ई की मात्रा हम जोड़ेंगे, ये बन जाएगा बारिश। इसके बाद ई की मात्रा में हम देखेंगे मछल, मछल लिखा है, इसमें ई की मात्रा जोड़ देंगे, ठीक है। ई की मात्रा जोड़ते ही ये बन जाएगा मछली। खर, खर में ख के साथ जब ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा खीर। हाथ, हाथ में ई की मात्रा जोड़ेंगे और ये बन जाएगा हाथी शब्द। पपीता, तो यहाँ प के साथ ई की मात्रा जोड़ेंगे हम और ये पपीता बन जाएगा। तो देखिए, गिलास, चिड़िया, किताब, बारिश, मछली, खीर, हाथी, पपीता। पढ़ो और अंतर पहचानो। अब हम फिर से शब्दों को पढ़ेंगे और उनका अंतर समझेंगे। किला, कोई दुर्ग होता है उसे हम किला कहते हैं। किला। कील, कील एक नुकीली लोहे की आती है जिसे दीवार में लगाकर उस पर सामान, कपड़े या कोई भी तस्वीर टांगी जा सकती है। किला, कील। सिला, सिलना। सील, सीलन, जब आज सीलन जो है दीवारों में आती है पानी की वजह से। मिल, मिल होता है कारखाना। मील, मील का मतलब है दूरी, किलोमीटर। दिन और दीन, दिन है जब सूरज निकलता है एक पूरा दिन, और दीन का मतलब है गरीब। बिन मतलब बिना, और बीन, बीन मतलब जो सपेरा होता है वो बीन बजा करके सांप को नचाता है। खिल, खिलना। खील, खील जो है खाने के लिए आती है। पिस, पिस यानी पिसना, और पीस, पीस। फिर है छिल, छिलका, छील, छील मतलब छीलना। तिल, तिल जिनके लड्डू बनते हैं। तीन, तीन संख्या है। गिन, गिनना। गीत, गीत को गाना। गिरा यानी गिरा हुआ। गीला यानी भीगा हुआ। सिखा यानी सीखना, और सीखा यानी हमने कोई चीज़ सीख ली है, ठीक है।